सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से कल हमको कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स पे जानने जा रहे हैं। दोस्तों, जानने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है और इसी स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यूअसली 1.5 महीना हो गया आप लोगों के साथ इस स्ट्रैटेजी पे जो भी ट्रेड कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है और जिन लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी को लिए हैं उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बार उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मई मंथ पे मैंने सिर्फ 11 दिन ट्रेड किया था और ये 11 दिन के अंदर 18,141.80 के आसपास प्रॉफिट आया था। तो दोस्तों, ये 1 लाख कैपिटल के ऊपर ये 18% के आसपास प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेड कर रहा हूँ मैंने 1 लाख कैपिटल के ऊपर एक एक लॉट लेके ट्रेड कर रहा हूँ। और देखिए, इसके बाद जून मंथ पे 17,747 के आसपास रिटर्न आया था। तो दोस्तों, ये रिटर्न एक ही महीना के अंदर 17.8% का रिटर्न है। और देखिए दोस्तों, अभी जुलाई मंथ पे ये 2 दिन मैंने ट्रेड किया है तो ये जो नेट आपको प्रॉफिट दिख रहा है 3,423.75 है। दोस्तों, मैंने ये जो भी ट्रेड कर रहा हूँ उसका वीडियो बना के स्क्रीन रिफ्रेश करके ये रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा है और मैंने हर दिन आप लोगों को ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न दिखा के एनालिसिस करके आपको बता रहा था। दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया है इसलिए मैंने आपको आज चार्ट पैटर्न नहीं दिखा पाऊंगा। आज मैंने सिर्फ ये स्टॉक का लेबल आप लोगों को बता देता हूँ, कल से वापस चार्ट पैटर्न दिखा के ये स्टॉक का लेबल बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशियन पेंट के ऊपर मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 1340 पे हमको शॉर्ट सेलिंग करना है। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1345.75 है। स्टॉप लॉस हमको 1348 पे रखना है, पहला टारगेट 1432 और सेकेंड टारगेट 1424 पे रखना है। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हो 1345 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1350.70 है। स्टॉप लॉस हमको 1353 पे रखना है, पहला टारगेट 1437 और सेकेंड टारगेट 1429 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट टू पे मैंने एक्सिस बैंक पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 801 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 802.60 है। स्टॉप लॉस हमको 805 पे रखना है, पहला टारगेट 797 और सेकेंड टारगेट 793 पे रखना है। अगर आप एक्सिस बैंक का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो 806 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 807.20 है। स्टॉप लॉस हमको 810 पे रखना है, पहला टारगेट 802 और सेकेंड टारगेट 798 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने आदानी पोर्ट पे बाय के लिए बताया है, तो इक्विटर कैश मार्केट पे 415 पे हम बाय कर सकते हैं। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 414.05 है। स्टॉप लॉस हमको 412 पे रखना है, पहला टारगेट 418
और सेकेंड टारगेट 421 पे रखना है। अगर आप आदानी पोर्ट का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हो 416 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 415.60 है। स्टॉप लॉस हमको 413 पे रखना है, पहला टारगेट 419 और सेकेंड टारगेट 422 पे रखना है। तो दोस्तों ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए फोर्थ स्क्रिप्ट पे मैंने भारत एयरटेल पे बाय के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 355 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 353.60 है। स्टॉप लॉस हमको 352 पे रखना है, पहला टारगेट 358 और सेकेंड टारगेट 361 पे रखना है। अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे बाय करना चाहते हो 356 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 354.60 है। स्टॉप लॉस हमको 353 पे रखना है, पहला टारगेट 359 और सेकेंड टारगेट 362 पे रखना है। तो दोस्तों ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 376 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 378.50 है। स्टॉप लॉस हमको 379 पे रखना है, पहला टारगेट 373 और सेकेंड टारगेट 370 पे रखना है। अगर आप बीपीसीएल का फ्यूचर मार्केट पे सेल करना चाहते हो 378 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 380.90 है। स्टॉप लॉस हमको 381 पे रखना है, पहला टारगेट 375 और सेकेंड टारगेट 372 पे रखना है। तो दोस्तों ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। और ये पांच स्क्रिप्ट के अंदर मैंने तीन स्क्रिप्ट पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है और दो स्क्रिप्ट पे बाय के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी का जो करेंट मार्केट प्राइस है 11,941.60 है। जो अभी ऊपर की तरफ जाएगा 11,950 के आसपास आप इस पर बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमको 11,915 पे रखना है, पहला टारगेट 11,990 और सेकेंड टारगेट 12,020 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का करेंट मार्केट प्राइस 31,388 है। जो अभी ऊपर की तरफ जाएगा 31,450 पे आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 31,350 पे रखना है, पहला टारगेट 31,550 और सेकेंड टारगेट 31,650 पे रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।